नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। x प्लस 10 पावर 50 प्लस x माइनस 10 पावर 50 इक्वल टू a नॉट प्लस a वन x प्लस a टू x स्क्वायर प्लस a थ्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में याद रखिएगा कि ये कोफिशियंट है, आपसे a टू बाय a नॉट पूछा है। इस क्वेश्चन को अगर आप इस फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, x प्लस 10 पावर 50 प्लस x माइनस 10 पावर 50। वैसे इसको भी चेंज कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि a माइनस बी या b माइनस से अगर इवन पावर है तो सेम होगा। एक चीज अच्छा, अब यहां पर यह ध्यान रखिए कि a प्लस बी की पावर 2n या n भी लिख दें प्लस a माइनस बी की पावर n हो तो ये 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म मिलेगा, यानी एन सी जीरो ए पावर n, एन सी टू ए पावर n माइनस टू, इस तरह से टर्म मिलेंगे, इन टू बी स्क्वायर भी आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें तो a2 का मतलब है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और a नॉट का मतलब है कि इंडिपेंडेंट टर्म। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको लिखना चालू करो तो आप इसको ऐसे ही लिखते, 2 टाइम्स ऑफ 50 सी जीरो पहला टर्म आता इन टू एक्स पावर। अब इसमें एक काम करिए, बल्कि x की इसको ऐसा लिख लीजिए 10 प्लस एक्स और इसको लिखिए 10 माइनस एक्स। इससे ये एडवांटेज होगा कि जब आप यहां पर लिखेंगे a2 तो वो निकल आएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 50 सी जीरो इन टू 10 की पावर 50, फिर आएगा 50 सी टू 10 की पावर 48 इन टू एक्स स्क्वायर और इस तरह से सीरीज मिलेगी। अब जैसे आपसे बोला a2, तो a2 मतलब है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए क्या है, a2 बाय a नॉट कर रहा हूं मैं, 50 सी टू इन टू 10 पावर 48 और एक ये 2 भी है, अपॉन कोफिशियंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, तो 2 टाइम्स ऑफ 50 सी जीरो इन टू 10 पावर 50, ये 2 से 2 कैंसिल। अब केवल आपके पास सॉल्व करने के लिए इतना सा है, ये 10 पावर 48 है 10 पावर 50 है, तो अपॉन 50 सी टू अपॉन 50 सी जीरो इन टू 1 अपॉन 100। अब 50 सी जीरो तो 1 हो गया, 50 सी टू कितना, 50 इन टू 49 अपॉन 2 इन टू 100। अब देखिए ये कैंसिल 2 टाइम्स, यानी 49 बाय 4 मीन्स 12.25 इज अ राइट आंसर, नोट कर लीजिए।